ट्वेल्थ चैप्टर कौन फोकल कौन कोड फर्स्ट ऑफ ऑल कौन फोकल का मीनिंग क्या होता है देखो फोकल इज योर फोकस ठीक है कौन मतलब इट्स आपके पास में सेम कहने का मतलब ये कि आपके पास कोई भी कौन की इक्वेशन अगर मैं लूँ मैं किसी भी दो की अगर मैं बात करूँ इफ दे हैव अ सेम फोकस बाय देयर प्रिंसिपल सेक्शन तो वो आपके पास क्या होता है कौन फोकल कॉनकोइड्स होते हैं सपोज अगर मैं किसी भी कॉनकोइड की इक्वेशन की बात करूँ मान लीजिए कि कोई भी कॉनकोइड मेरे पास ये कोई भी एक इलेप्टिक फॉर्म होगी और कोई भी आपके पास किसी भी कॉनिक सेक्शन की अगर मैं बात करूं वो कहता है कि अगर आपके पास प्रिंसिपल सेक्शन सपोज इट्स कट बाय अ प्लेन जो भी इसके लिए प्रिंसिपल सेक्शन बनेगा उस प्रिंसिपल सेक्शन के हमेशा आपके लिए क्या एग्जिस्ट करेंगे दोनों केसेस के लिए सेम फोकस होंगी तो वो मेरे पास क्या होता है कौन फोकल कौन को होता है जैसे अगर मैं बात करूँ कि हेयर द इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वेयर ओवर ए स्क्वायर माइनस लैमडा प्लस वाई स्क्वेयर बी स्क्वेयर माइनस लैमडा प्लस जेड स्क्वायेयर सी स्क्वेयर माइनस लेमडा विच इज इक्वल्स टू वन यहाँ मेरे पास जो लैमडा है वो एक पैरामीटर है एंड दिस पैरामीटर में भी कंजिस्ट ऑफ वन वैल्यू टू वैल्यू थ्री वैल्यू जितनी भी वैल्यू एग्जिस्ट करता है उसके अकॉर्डिंग आपके पास उतने ही कॉनिक सेक्शन होंगे उतने ही कॉनकॉइड्स kon आपके पास एग्जिस्ट करेंगे सपोज अगर मेरे पास यहाँ लेमडा की वैल्यू थ्री हो जाती है सब थ्री का मतलब है कि लेमडा वन लैमडा टू एंड लैमडा थ्री इट मीन्स वी हैव अ थ्री कॉनकॉइड्स ओके कंडीशन क्या आती है कि दिस इज योर कॉनफोकल कॉनकॉइड विद द इक्वेशन ऑफ एलिप्सॉइड और वो इलिप्सॉइड की इक्वेशन मेरे पास क्या फॉर्म करेगी and this is of the form एक्स स्क्र बाई ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्र बाय बी स्क्वेयर प्लस जेड स्क्र बाई सी स्क्वेयर विच इज इक्वल्स टू वन ठीक है सो so ये मेरे पास क्या होता है कौन फोकल कॉन क्व एंड दिस कौन फोकल कॉन क्विड इट मीन्स मैंने अभी आपको बताया ना फोकल मीन्स आपके पास क्या होता है फोकेस यानी कि जिसके पास सेम फोकस हो इन दियर प्रिंसिपल सेक्शन ठीक है मतलब प्रिंसिपल सेक्शन के अकॉर्डिंग या फिर आप ये बात कीजिए कि जो भी कौनकोइड अगर मैं लू देर प्रिंसिपल सेक्शन है प्रिंसिपल सेक्शन में फोकस कैसा एग्जिस्ट करना चाहिए सेम एग्जिस्ट करेगा तो वो आपके पास क्या हो जाती है कौन फोकल कौनकोइड हो जाता है दिस इक्वेशन सपोज मैंने यहाँ कोई भी एक इक्वेशन ली सो so इसके अकॉर्डिंग पहली बात यहाँ आपके पास कोई भी एक पैरामीटर एग्जिस्ट करता है दिस इज योअर लैमडा फॉर ऑल्ड वैल्यूज़ ऑफ लैमडा यहाँ लैमडा के लिए कोई कंडीशन नहीं है कि लैमडा आपके पास रियल हो इमेजनरी हो या फिर ओबियस बात है मैं यहाँ रियल की ही बात कर रही हूँ एक्स वाइजर्ड प्लेन की मैं यहाँ बात कर रही हूँ तो मेरे पास क्या है कि ये जो वैल्यूज़ होंगी वो डिपेंड नहीं करता कि रे जो लैमडा है वो आपके पास क्या होना चाहिए ठीक है फॉर ओल्ड वैल्यूज़ ऑफ़ लैमडा ये इक्वेशन आपके पास होगी कॉनफोकल कॉन्क्वाइड विद इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोड सपोज कीजिए कि मेरे पास इस इक्वेशन के लिए z आपके पास क्या हो जाए जीरो इट मीन्स हेयर आई एम टेकिंग द प्लेन सेक्शन विच इज z ये प्लेन सेक्शन क्या है मेरे पास एक जेड है जहाँ x और y आपके पास क्या है जीरो हैं इस इक्वेशन के लिए मेरे पास जो कॉनफोकल कॉन्क्वाइड की इक्वेशन होगी वो इक्वेशन की फॉर्म मेरे पास क्या बनेगी विच इज अवर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायेयर माइनस लेमडा प्लस वाई स्क्वायेयर बाई बी स्क्वायेयर माइनस लैमडा विच इज इक्वल्स टू वन एंड दिस इज आ कौन फोकल कौन क्विड विद एलेप्सोड और यहाँ मेरे पास एलेप्सोइड की फॉर्म क्या हो जाएगी एक्स स्क् ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर विच इज इक्वल्स टू वन सेम केस में अगर मैं मैं, मैं ये बात कहूँ कि मैंने क्या ले लिया एक्स इक्वल्स टू जीरो तो यहाँ आपके पास इक्वेशन क्या हो जाएगी विद द इलेप्ट साइड ऑफ दिस अगर आप वाई को जीरो लोगे तो सेम उसी केस में मेरे पास इक्वेशन प्रेजेंट हो जाएगी सपोज कीजिए कि अगर मैं यहाँ ये यह लूँगी हेयर एक्स इज इक्वल्स टू किसी भी केस के लिए अगर मैं बात करूं कि मेरे पास अगर वैल्यू एक्स जीरो है जेड जीरो है या वाई जीरो है उसी केस के अकॉर्डिंग टू प्लेन्स में आपके पास यहाँ वैल्यू एग्जिस्ट कर जाएगी सपोज कीजिए कि मैं अगर बात करूं यहाँ पैराबोलोइड की पैराबोलोइड की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए जो इक्वेशन होगी वो मेरे पास क्या होगी एक्स बाय ए स्क्यर माइनस लैमडा प्लस वाई स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर माइनस लैमडा विच इज टू जेड माइनस लैमडा विद द पैराबोलोइड और ये पैराबोलोइड मेरे पास क्या होगा एक्स स्क्र बाय ए स्क्र प्लस वाई स्क्वायेयर बाय बी स्क्वेयर विच इज इक्वल्स टू टू जेड ठीक है तो केसेस के अकॉर्डिंग है यहां अगर मैं कॉने कॉन फोकल कॉन्ग्रेड की बात करूं तो वहां आपके पास एक पैरामीटर चलता है और ये जो लैमडा है वो मेरे पास क्या होते हैं पैरामीटर होते हैं यहाँ इसके ऑल वैल्यूज के लिए हमेशा डेफिनेटली ये इस इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा ओके ये इसकी सिंपली एक डेफिनेशन थी देखो क्या कहता है थ्री कॉन फोकल थ्रो अ पॉइंट थ्री कॉन्फोकल्स की उसने मुझसे बात की है वो कहता है थ्रो अ पॉइंट टू प्रूव दैट थ्रो एनी पॉइंट देयर पास थ्री कॉन्कोइड्स कॉन विद अ गिवन एलिप्सोड ठीक है एंड एलिप्सॉइड हाइपर ऑफ वन शीट एंड हाईपर ऑफ टू शीट ये सिमिलर के लिए वैल्यू बता रहा है बाकी आपको यहाँ फाइंड आउट करना है कि एट एनी पॉइंट थ्री देयर पासिस थ्री कॉन्इड्स कॉन विद अ गिवन ओके okay. सो so, इसके लिए मैंने क्या पहली बात तो आपके पास यहाँ इलेप्सॉइड की इक्वेशन क्या होती है ये इक्वेशन होती है मेरे पास मैंने यहाँ जनरल इक्वेशन ली है की इक्वेशन मेरे पास क्या होती है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर एंड प्लस जेड स्क्वायर बाय सी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू वन अब आपके पास जो इलेप्सॉइड की कंडीशन है क्या कहता है कि इस कंडीशन के लिए एक कंडीशन उसने यहाँ ली और वो मेंशन करता है कि हेयर ए इज ग्रेटर देन बी बी इज ग्रेटर देन सी इसके लिए मैंने कंडीशन यहाँ अप्लाई की है कि ए इज ग्रेटर देन बी बी इज ग्रेटर देन सी फॉर द इक्वेशन ऑफ एलिप्सॉइड देन द इक्वेशन ऑफ कॉन फोकल कॉन्कोइड इज एक्स ओवर ए स्क्वेयर माइनस लैमडा प्लस वाई स्क्वेयर ओवर बी स्क्र माइनस लेमडा प्लस जेड स्क्वेयर सी स्क्र माइनस लैमडा विच इज इक्वल टू वन इन अ स्टेटमेंट इट इज गिवन दैट इज पासिज थ्रोइंट एंड दीज पॉइंट आर मे बी एल्फा बीटा एंड कम पासिस थ्रो है तो इट मीन वो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे माइनस लैमडा प्लस बीटा स्क्वेयर बी स्क्वेयर माइनस लेमडा प्लस गामा स्क्वायर ओवर सी स्क्वेयर माइनस लेमडा विच इज इक्वल्स टू वन ये इक्वेशन मेरे पास बनेगी अभी मैंने इसको क्या किया सिंप्लीफाई किया हेयर आर एम मल्टीप्लाइंग विद ए स्क्वायेयेयेयेयेर माइनस लेमडा या फिर आप सिंपली लैंग्वेज में ये कहिए कि मैंने यहाँ क्या ले लिया है या फिर ए स्क्वेयर माइनस लैमडा इंटू बी स्क्वायेयेर माइनस लेमडा इंटू सी स्क्वेयर माइनस लैमडा से इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया एल्फा स्क्वेयर B square minus lambda, C square minus lambda plus beta square, A square minus lambda, C square minus lambda and plus gamma square, A square minus lambda, B square minus lambda which is equals to A square minus lambda, B square minus lambda and C square minus lambda. अब आप इक्वेशन को देखिए मैं इसको राइट right साइड में लेकर आई मेरे पास इक्वेशन क्या हुई ए स्क्वेयर माइनस लैमडा बी स्क्वेयर माइनस लैमडा सी स्क्वेयर माइनस लैमडा ये नेगेटिव होगा देखो राइट right साइड में आएगा तो नेगेटिव होगा मैंने कंप्लीट इक्वेशन से नेगेटिव साइन को कॉमन ले लिया इफ़ इट्स अ पॉजिटिव बाय टेकिंग अ माइनस साइन इज अ कॉमन देन इट्स बिकम अ नेगेटिव सो अल्फ़ा स्क्वेयर बी स्क्वेयर माइनस लैमडा सी स्क्यर माइनस लैमडा माइनस बीटा स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस लैमडा सी स्क्वेयर माइनस लैमडा प्लस गामा स्क्वेयर सॉरी माइनस ए स्क्वेयर माइनस लैमडा एंड बी स्क्र माइनस लैमडा विच इज इक्वल्स टू जीरो अब आप अगर यहाँ गिवन इक्वेशन को देखें पहली बात तो मेरे पास यहाँ पैरामीटर क्या है लैमडा लैमडा इंटू लैमडा इंटू लैमडा इट मीन्स हेयर द हाइएस्ट डिग्री ऑफ लैमडा इज थ्री हेयर द लैमडा डिग्री ऑफ लैमडा इज टू 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 बट हेयर द डिग्री ऑफ लैमडा इज थ्री इट मीन्स वी गेट थ्री वैल्यूज ऑफ लैमडा मेरे पास यहाँ लैमडा की कितनी वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी थ्री वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी फोर द वैल्यूज ऑफ लैमडा अगर मैं जैसे मैंने आपको डेफिनेशन में बताया है ना कि डिपेंड करता है कि आपके पास यहाँ कितने कॉन्फोकल कॉन्कोइट्स एग्जिस्ट करेंगे जितनी आपके पास यहाँ लैमडा की वैल्यू होंगी अब अगर आप इस इक्वेशन को देखो दिस इज अ क्यूबिक इन लैमडा अगर ये लैमडा में क्यूबिक है इटम इज देयर एग्जिस्ट थ्री वैल्यूज ऑफ लेमडा और ये थ्री वैल्यूज थ्री डिफरेंट वैल्यूज के लिए आपके पास यहाँ कॉन्कोइट्स की इक्वेशन भी क्या रहेंगी थ्री रहेंगी ठीक है एक चीज अगर मैं यहां देखूं तो मेरे पास देखो गिवन इक्वेशन के लिए ये कंडीशन है ठीक है जी अब आप एक चीज यहां ये देखो कि सपोज कीजिए कि मैं ये मेरे पास एफ ऑफ लेमडा है ओके इस एफ ऑफ लैमडा के लिए मान लीजिए कि मेरे पास ये कंडीशन एग्जिस्ट होती है हेयर आई एम सब्सिट्यूटिंग लैमडा विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर ठीक है मैंने यहाँ लैमडा को क्या लिया ए स्क्वेयर अभी आप यहाँ सब्सिटीट्यूट कीजिए वैल्यू को दस बाई कम सा जीरो ठीक है जी अब आइए यहाँ पर मेरे पास जो इक्वेशन यहाँ से बनेगी वो ये बनेगी एल्फा स्क्वेयर बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर एंड सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर ओके बट हेयर द गिवन कंडीशन इज दैट कि ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी ओके okay. अब आप यहाँ देखिए कि अगर मैं यहाँ स्क्वायरिंग करती हूँ स्क्वायरिंग करने से साइन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा मुझे चाहिए बी स्क्र माइनस ए स्क्वायर देन डेफिनेटली वी गेट बी स्क्र विच इज माइनस ए स्क्वायर विच इज लेस देन जीरो सब ए स्क्वायर बोथ साइड देन वी गेट बी स्क्र माइनस ए स्क्वायर इज नेगेटिव मतलब मेरे पास ये वैल्यू क्या हो गई नेगेटिव हुई सिमिलर केस में मैं अगर बात करूँ तो यहाँ आपके पास ए इज ग्रेटर देन सी ए वैल्यू सी से ग्रेटर है बिकॉज ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी सो ऑब्वियसली सी ए तो आपके पास ग्रेटर देन वैल्यू रहे ही रहेगी इन सिमिलर वे में अगर मैं ग्रेटर वैल्यू में से ये क्या है मेरे पास सी को स्मॉल वैल्यू में से अगर मैं ग्रेटर वैल्यू को सब्सट्रीब्यूट करी देन अगेन इट बिकम नेगेटिव 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 इज पॉजिटिव बट हेयर दिस टर्म इज़ ऑलरेडी नेगेटिव सो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज अगेन नेगेटिव इट मीन्स हेयर इफ यू सब्सिडिंग लैमडा विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वेर दिस एफ ऑफ लेमडा बिकम्स अ नेगेटिव आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी नेगेटिव आ जाएगी अब सिमिलर केस में आप बीसक्वेयर लीजिए मैंने यहाँ लिया कि लैमडा मेरे पास क्या है बीसक्वेयर जैसे ही आप लैमडा को बीस स्क्वेयर लेंगे तो ये तो वैल्यू हो जाएगा जीरो दिस इज बिकम्स टा जीरो ये वैल्यू भी जीरो हो जाएगी अब आ जाए इस पर बी स्क्वेयर जैसे ही मैंने सब्सिट्यूट किया तो आपके पास वैल्यू आएगी बीटा स्क्वेयर है इज इट इज ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर एंड सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बिकॉज ऑफ लैमडा विच इज इक्वल्स टू बी स्क्वेयर अभी आप वैल्यू लीजिए इस रिलेशन के अकॉर्डिंग ए इज ग्रेटर देन बी स्क्वेयरिंग करेंगे तो साइन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा ए स्क्वेयेर में से मैंने बी स्क्वेयेर को सब्ट्रैक्ट किया तो वैल्यू क्या आ गई ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव रहेगा मतलब दिस वैल्यू इज पॉजिटिव अभी आप बी और सी का रिलेशन देखिए कि बी इज ग्रेटर देन सी ये सी है स्क्वेयरिंग करेंगे देन सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेर वैल्यू आ जाएगी ना विच इज लेस देन जीरो अभी ये नेगेटिव हुआ ये पॉजिटिव है ये वैल्यू नेगेटिव है नेगेटिव बट बी स्क्वायर इज ऑलरेडी नेगेटिव 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 इज पॉजिटिव सो अगर आप इस वैल्यू को लेते हैं लेमडा विच इज इक्वल्स टू बी उसके इसमें एफ ऑफ लेमडा मेरे पास क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा मतलब आपके पास अगर कोई रिलेशन इस फॉर्म में गिवन होगा तो डिपेंड करता है यहां आपके पास एफ ऑफ लैमडा क्या फॉर्म करता है ओके okay? अब आते हैं हम थ्योरम्स पर फर्स्ट थ्योरम ट्वेल्व पॉइंट वन मोस्ट ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ आपके पास यूनिट में दो चैप्टर है थर्टीन एक है ट्वेल्थ तो ट्वेल्थ चैप्टर में ट्वेल्व पॉइंट वन एज अ कम्पेरिजन ऑफ सेकेंड एक्सरसाइज ट्वेल्व टू इट्स अ मोस्ट इम्पोर्टेंट ठीक है देखो टू प्रूव दैट वन कॉन्क्इड कौन फोकल विद अ गिवन कॉन्क्वाइड टच इज अ प्लेन अभी मैं यहाँ बात करूँ तो उसने कौन फोकल कॉन्क्वाइड के लिए इक्वेशन चूज किया एलिप्सॉइड का फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन क्या होती है एलिप की मेरे पास एक्स स्क्र ओवर ए स्क्यर प्लस वाई स्क्र ओवर बी स्क्र प्लस जेड स्क्र ओवर सी स्क्यर विच इज इक्वल्स टू वन विद द इक्वेशन ऑफ कॉन फोकल कॉनकॉइड इन दिस फॉर्म इज एक्स स्क्येर ओवर ए स्क्यर माइनस लेमडा प्लस वाई स्क्येयेर ओवर बी स्क्र माइनस लेमडा प्लस जेड स्क्वायेर ओवर सी स्क्वेयर माइनस लेमडा विच इज इक्वल्स टू वन ओके अभी ये कॉन्फोकल कॉन्क्ट की इक्वेशन है विद द इक्वेशन ऑफ एलिप्सॉइड ये एलिप्सॉइड की इक्वेशन है उसने मुझे ये कहा है कि ये अगर प्लेन सेक्शन को टच करे हेयर आई एम टेकिंग द इक्वेशन ऑफ आ प्लेन इज एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड विच इज इक्वल्स टू पी एंड वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट इफ एनी प्लेन इक्वेशन ऑफ a प्लेन touches the अ कॉन then इक्वेशन is दिस इज डेफिनेटली ऑफ द फॉर्म एल स्क्र बाय जैसे अगर मैं बात करूँ कि सपोज मेरे पास ये इक्वेशन है और कोई भी स्क्वेयर की इक्वेशन आपके पास यहाँ आती है दिस इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायेर विच इज इक्वल्स टू वन सो इस केस में फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ कोई भी कॉनिक सेक्शन लिया है इस केस में मेरे पास जो टचेस केस आएगा वो क्या होगा एल बाय ए प्लस एम स्क्वायर बाय बी प्लस एन स्क्वायर बाय सी ये इक्वेशन मेरे पास बनती है विच इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अभी आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को लीजिए लैम्डा कौन फॉकल की हम बात कर रहे हैं सो एल स्क्वायर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन मेरे पास वैल्यू क्या है वन ओवर ना और ये हमेशा डिवाइड में आती है तो वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी ए स्क्र माइनस लैमडा प्लस एम बी माइनस प्लस एन स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस लैमडा विच इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर ये इक्वेशन हो गई कि कोई भी प्लेन सेक्शन अगर किसी कॉनफोकल की इक्वेशन को टच करता है तो कंडीशन आपके पास क्या रही? ठीक है नेक्स्ट देखें कॉन फोकल टच अ गिवन लाइन ये था मेरे लिए किसी गिवन प्लेन के लिए बट यहां वो मुझे कहता है किसी गिवन लाइन के लिए सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर आई एम टेकिंग द इक्वेशन ऑफ अ Conic section which is your ellipsoid and this is of the form and here the equation of a confocal concord is this let the equation of a line through the point alpha beta and gamma then this equation is of the form x minus alpha over l y minus beta over m z minus gamma over m here the equation of a line is this this is a confocal concord with the ellipsoid is this कंडीशन दैट दिस इक्वेशन टच इज द कॉन क्वाइड दिसन दिस इज ऑफ द फॉर्म एल स्क्र बाय ए एम स्क्र बाय बी एन स्क्यर बाय सी बट हे एट दिस इक्वेशन इज एट द एल्फाबीटा एंड गामा सो ये एलिमेंट जो आपके पास है दिज योअर डायरेक्शन रेशियोज और ये वैल्यूज मेरे पास के हैं उसके कोर्ट्स दैन दिस इज सेटिस्फाइड बाइट देअर डायरेक्शन रेशियोज एंड द कोट्स अल्फा बीटा एंड गामा विच इज इक्वल्स टू एल एम एल्फा एल एम बीटा एन एन गामा यहाँ पर हम वैल्यू को सब्सिट्यूट करेंगे होल स्क्वायर ये हम ऑलरेडी कंडीशन प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं ठीक है वही कंडीशन यहाँ एप्लीकेबल हुई है अब अगर आप यहाँ इक्वेशन को देखें ना देखो मैं अगर यहाँ बात करूँ किसी भी इक्वेशन के लिए सो so मेरे पास जो ये इक्वेशन होगी आप अगर यहाँ एलसीएम भी लेंगे ना तब भी आपके पास डेफिनेटली जो ये इक्वेशन होगी इसको आप सॉल्व करेंगे डेफिनेटली इक्वेशन आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में होगी इट मीन्स वी गेट द इक्वेशन वैल्यूज ऑफ लैमडा इज टू यहाँ जो भी वैल्यूज मेरे पास लैमडा की एग्जिस्ट करेंगी वो कितनी होंगी टू होंगी इट मीन्स सो देयर आर द टू कॉन जो किसको टच करते हैं इस प्लेन को टच करते हैं ओके okay? नेक्स्ट थियोरम कॉनफोकल कट एट अ राइट एंगल्स टू प्रूव दैट इफ अ स्ट्रेट लाइन टचेज टू कॉनफोकल कॉन्ट्स द टेंजेंट प्लेन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर एट अ राइट एंगल्स किस पर होने चाहिए राइट right एंगल्स पर होने चाहिए जैसे देखो यहाँ जो इक्वेशन वो रिप्रेजेंट कर रहा है कॉनफोकल की उसने दो देखो इसी स्टेटमेंट में मुझे ही है कि मेरे पास जो कॉन्फोकल्स हैं वो कितने हैं टू हैं

प्लस वाई स्क्वेयर बी स्क्र माइनस लेमडा टू प्लस जेड स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर माइनस लेमडा टू विच इज़ इक्वल्स टू वन अब एक सिंपली लैंग्वेज में आप बात देखिए कि सपोज ये एक्स एक्सेस है ये वाई एक्सेस है और ये जेड एक्सेस है ठीक है पहली बात उसने मुझे ये कहा है कि आप जो भी देखो ये एक प्लेन सेक्शन मेरे पास है ये भी एक प्लेन सेक्शन मेरे पास है सपोज कीजिए कि मेरे पास यहाँ कोई भी एक कॉनफोकल कॉनकोइड की इक्वेशन ये बनती है और एक मेरे पास ये है दोनों इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ ना दोनों प्लेन सेक्शन की इस वाई एक्स प्लेन सेक्शन की मैं बात करूँ या फिर वाई जेड प्लेन सेक्शन की मैं बात करूँ यहाँ मेरे पास दो कॉनफोकल्स कॉनकोइड है ठीक है दो कॉन्कोइड्स मैंने यहाँ ड्रॉन किए अब आप एक ये देखिए कि अगर मैं इसकी बात करूं सपोज़ ये मेरे पास ओ वाई है ठीक है ये ओ वाई इस प्लेन सेक्शन के लिए भी एग्जिस्ट करता है मतलब मैं अगर एक्स वाई प्लेन सेक्शन की मैं बात करूं तो ये जो ओ वाई है ये आपके पास इस प्लेन सेक्शन का मेंबर भी है और ये ओ वाई वाई जेड प्लेन सेक्शन का मेंबर भी है इट मीन्स ये जो ओ वाई एक्सेज है ये आपके पास दोनों ही केसेस के लिए कंसिडर होंगे ना यहाँ भी और यहाँ भी सपोज कीजिए कि ये जो इसका टेंजेंट है मतलब इस कॉनेक्स सेक्शन के लिए जो ओवा टेंजेंट है टेंजेंट का मतलब वो किसी एक सिंगल पॉइंट पर उसको टच करता है मान लीजिए कोई भी पी पॉइंट है और ये मान लीजिए कोई भी क्यू पॉइंट है इन पी और क्यू पॉइंट्स के लिए मेरे पास कोई ना कोई कोड्स गिवन होंगे ठीक है और आप ये भी चेक कीजिए कि यहाँ जो मेरे पास जो भी परपेंडिकुलर मतलब मैं अगर इस सेक्शन uh, की बात करूँ दिस इज़ अ परपेंडिकुलर टू देयर और ये भी आपके पास इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो। होगा ठीक है दूसरी बात अगर मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूँ ठीक है आप ये भी चेक कर सकते हैं कि ये एक्स एक्सेस है ये वाई है और ये जेड है मान लीजिए मैंने कोई भी एक यहाँ कोई अपनी एक लाइन ले ली जो इसके लिए भी टेंजेंट बनाए और जो इसके लिए भी बनाए आप किसी को भी कवर अप करके ले सकते हैं किसी भी कॉनिक सेक्शन के लिए मतलब किसी भी इक्वेशन के लिए आप यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करें और उसके लिए दो कॉनिक सेक्शन लें ठीक है कॉन्क्रेड की क्वेश्चन मैंने यहाँ ली एज एग्जाम्पल मैं आपको कंसिडर करवा रही हूँ सपोज कीजिए कि ये जो मेरे पास टेंजेंट है जो इसके लिए पासिंग पॉइंट है मान लीजिए वो कोई भी पी है और उसके लिए मेरे पास कोर्स एग्जिस्ट करते हैं एक्स वन बाय वन एंड जेड वन एंड फॉर द वैल्यूज ऑफ दिस कॉनिक सेक्शन इसकी अगर मैं बात करूं तो उसके लिए भी मैंने एक क्यू चूज़ करा है जिसके लिए मेंबर क्या है एक्स टू वाई टू एंड जेड टू अगर ये टेंजेंट है तो इट मीन्स डेफिनेटली दिस पी इज अर दिस इक्वेशन एंड दिस क्यू इज़ अर दिस इक्वेशन इट मीन्स वी गेट द इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म एक्स और ये आपको पता है कि जैसे अगर मैं सेकेंड डिग्री की इक्वेशन की मैं बात करूँ ना एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ए एक्स स्क्वेयर बी वाई स्क्वेयर प्लस टू एक्च एक्स वाई प्लस सी विच इज़ इक्वल्स टू जीरो इस केस में मेरे पास जो टेंजेंट की इक्वेशन होती है वो क्या होती है टू डिग्री के लिए हम उसको ओपन करते हैं मल्टीप्लिकेशन में सपोज़ कीजिए कि मेरे को एक्स वन वाई वन जेड वन पर प्लेन की इक्वेशन बनानी है तो वो ऐसे ही ओपन होगा मल्ट जहाँ डिग्री टू हो जाती है हम उसको मल्टीप्लिकेशन में ओपन करते हैं बट जहाँ आपके पास मल्टीप्लीप्लाई में टू हो मतलब जो टू का मल्टीपल हो उसके लिए हम समीशन कैसे ओपन करते हैं एडिशन में ये टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन होती है जैसे ये है टू एक्स है सो जी इज एज इट इज़ मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स प्लस एक्स वन एफ वाई के लिए वैल्यू क्या आ जाएगी एफ इज एज इट इज़ वाई प्लस वाई वन प्लस ही ये मेरे पास टेंजेंट इक्वेशन होती है एट अ पॉइंट एक्स वन वाई वन एंड जेड वन सेम केस में मैं अगर इस पॉइंट पर टेंजेंट ये टेंजेंट ही है ना इसके लिए अगर मैं इसी यहाँ बात करूँ तो ये भी टेंजेंट है आपके पास इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म एक्स एक्स वन ओवर ए स्क्यर माइनस लेमडा वन प्लस वाई वाई वन ओवर बी स्क्येयेयेयेयेर माइनस लेमडा वन प्लस जेड जेड वन ओवर सी स्क्यर माइनस लेमडा वन विच इज इक्वल टू वन अब मैं बात करती हूँ किसके लिए एक्स टू वाई टू के लिए इस कॉनिक सेक्शन के लिए तो इक्वेशन क्या बनेगी एक्स एक्स टू ओवर ए स्क्यर माइनस लेमडा टू प्लस वाई वाई टू ओवर बी स्क्यर माइनस लेमडा टू प्लस जेड जेड टू ओवर सी स्क्यर माइनस लेमडा टू विच इज इक्वल टू वन अब आप एक चीज यह भी देखिए कि अगर ये कॉमन टेंजेंट है जहाँ ये पॉइंट भी एग्जिस्ट करता है और ये पॉइंट भी एग्जिस्ट करता है इट मीन्स डेफिनेटली इस कॉमन टेंशन पर जो पॉइंट लाई करता है जो इसको सेटिस्फाई करता है डेफिनेटली कि अगर ये इसको इंटरसेक्ट करे तो ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा ये भी इस पर लाई कर जाएगा और अगर ये इसको इंटरसेक्ट करे तो ये कोड भी इसको सेटिस्फाई कर जाएंगे और ये कोड मतलब ये जो कॉनिक सेक्शन होगा मान लीजिए कि मेरे पास जो ये पी पॉइंट है वो अगर इसके एरिया की अगर मैं बात करूँ यहाँ इस कॉनिक सेक्शन की अगर मैं बात करूँ वो पी भी उसको सेटिस्फाई करेगा और क्यू भी उसको सेटिस्फाई करेगा सेम टेंजेंट है ना दोनों के लिए सिमिलर टेंजेंट है तो इसका मतलब ये जो टेंजेंट प्लेन है वो कौन फोकल होगा एट अ पॉइंट पी पर भी और एट अ पॉइंट क्यू पर भी बिकॉज दीज आर द कॉमन पॉइंट एट अ टेंजेंट ठीक है जी तो मेरे पास दोनों ही केसेस में इक्वेशन अब क्या हो जाएगी कि जहां P1 वन लाइव करता है वहां Q भी लाई करेगा और जहां Q लाइव करता है वहां P भी लाई करेगा देन दिस इक्वेशन इज द फॉर्म x x1 x1 x2 y1 y2 z1 z2 x1 x2 y1 y2 एंड z1 z2 बहुत हालत सिमिलर अब मैंने क्या किया इस इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया देन वी गेट आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे दिस बिकम सा जीरो इसका एल्सियम लेना देन दिस इक्वेशन इज बिकम ऑफ द फॉर्म दस ठीक है और अगर मैं बात करूँ ना किसी भी इक्वेशन के लिए किसी भी प्लेन की इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ सिंपली आपको यहाँ सब्ट्रैक्ट करना उसको सिंपलीफाई नहीं करना बट आप अगर जैसे भी टर्म कॉमन लोगे ना तो यही फॉर्म आपके पास बनेगी नहीं अगर आपसे होता है तो फिर मुझे बताए जैसे अगर मैं बात करूँ किसी भी आ, प्लेन सेक्शन के लिए इफ दे आर एट अ राइट एंगल इट डेफिनेटली आपके पास जो इक्वेशन बनेगी ना वो किस फॉर्म की होगी एल एल वन एम एम सॉरी एल वन एल टू एम वन एम टू एंड एन वन एन टू विच इज इक्वल्स टू जीरो प्लस एडिशन में आपके पास टर्म होगी इनका मल्टीप्लीकेशन डेफिनेटली आपके पास वैल्यू क्या दे देगा जीरो तो वो मतलब प्लेन की अगर मैं बात करूँ तो वो आपके पास किस पर हो जाएंगे एट अ राइट एंग ओके okay. ये आर्टिकल भी ट्राई करना अगर कोई डाउट हो तो फिर बताना मुझे ये जो क्वेश्चन है आपका फर्स्ट एग्जांपल इज इट योर एज इट इज एज अ आर्टिकल नंबर ट्वेल्व पॉइंट टू ठीक है एज इट इज है ये और मैंने ये आपको भी बताया है तो आप इस फर्स्ट एग्जाम्पल को इसके बिहाव पर ट्राई करना फिर उसके बाद भी अगर कोई डाउट हो आपको कोई चीज नहीं समझ में है तो बताना सी प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ द कॉन फोकल द पॉइंट ऑफ द फोकल एलिप्स हुज इसेंट्रिसिटी एंगल इज अल्फा आपको शो करना है इक्वेशन ऑफ अ कॉन फोकल थ्रो द पॉइंट ऑफ फोकल इलिप्स ठीक है आपके पास इसेंट्रिसिटी एंगल अल्फा इस किस फॉर्म में होना चाहिए इस फॉर्म में फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास जो यहाँ इक्वेशन होती है वो क्या होता है कौन फोकल मैंने इक्वेशन ली है दिस इज ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्र बाय ए स्क्वायर माइनस लेमडा प्लस वाई स्क्वायेयर ओवर बी स्क्येर माइनस लेमडा एंड प्लस जेड स्क्वायेर ओवर सी स्क्वेयर माइनस लेमडा विच इज इक्वल्स टू वन ठीक है सपो देखो पहली बात तो मुझे यहाँ गिवन है कि कौन फोकल थ्रो आ पॉइंट ऑफ द फोकल इलेक्ट्स उस केस में मेरे पास जो इक्वेशन होगी ना वो क्या फॉर्म करना चाहिए देखो अगर मैं यहाँ बात करूँ के एलिप्सॉइड के लिए तो मैंने यहाँ केस कंसिडर किया देखो किसी भी एलिप्सॉइड के लिए मैं कोई भी एक प्लेन सेक्शन अगर चूज करूँ तो वो फॉर्म आपके पास बननी चाहिए सपोज कीजिए कि सपोज कीजिए कि, कि, कि मेरे पास यहाँ लैम्डा जो है ना वो क्या है सी स्क्वायर है If lambda is your c square, then this equation definitely of the form x square over a square minus lambda plus y square by b square minus lambda, which is equals to one. Sorry, c square. And here the z becomes equals to zero. It means here the plane plane section is z equals to zero. Up उसने मुझे कहा कि कोई भी पॉइंट लें तो वो आपके पास क्या होना चाहिए थ्रू द पॉइंट ऑफ द कॉन फोकल इलेक्ट्स ठीक है सो so, मैंने यहाँ कोई भी पॉइंट एक चूज किया विच इज ऑफ द फॉर्म ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर कोस अल्फा अंडर रूट बी स्क्र माइनस सी स्क्वेयर साइन अल्फा एंड द जेड कॉड इज हेयर जीरो

माइनस सी स्क्वेर साइन स्क्वेयर अल्फा ओवर वैल्यू क्या है बी स्क्वेयर माइनस लैमडा एंड जेड कॉड जीरो विच इज इक्वल्स टू वन विम्प्लीफाइड इट देन ए स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर टेकिंग एल एल्सियम ऑफ ए स्क्वेयेर माइनस लैमडा एंड बी स्क्वेयर माइनस लैमडा देन वी गेट बी स्क्वेयेर माइनस लैमडा equals to 1 into a square minus lambda and b square minus lambda taking it at a right hand side with an it's in square sign then we get a square minus lambda taking minus common from both side a square minus c square b square minus lambda cos square alpha minus b square minus c square ए स्क्वायर माइनस लैमडा एंड साइंस स्क्वायर एल्फा सी दिस इक्वेशन इज डेफिनेटली ऑफ डिग्रेटू इन लैमडा आपके पास जो इक्वेशन होगी वो किस में होगी लैमडा में क्वाड्रेटिक होगी इट मीन्स वी गेट द टू वैल्यूज ऑफ लैमडा आप इसको सिंपलीफाई करना यहाँ मेरे पास जो इक्वेशन होगी वो लैमडा में क्वाड्रेटिक होगी इसके रूट्स बनाएंगे हम तो मेरे पास जो वैल्यू हो जाएगी जैसे आप यहाँ देखो तो ये ए है और ये बी है ए ए प्लस बी एंड ए इंटू बी तो वैल्यू क्या आ जाएगी लैमडा माइनस सी स्क्वायर एंड लैमडा माइनस बी लैमडा माइनस ए लेमडा माइनस बी एक लैमडा की वैल्यू सी स्क्वेयर एक लैमडा की वैल्यू लैमडा की दोनों वैल्यूज़ को यहाँ सब्सिट्यूट करेंगे देन विद रिस्पेक्ट टू आर सी स्र बोई कॉन फोकल की इक्वेशन होगी एंड विद रिस्पेक्ट टू दिस इक्वेशन वो अनदर इक्वेशन आपके पास किसकी हो जाएगी कौन फोकल की हो जाएगी ठीक है